reference. Why Salman Khan is the Lawrence Bisnoi hit list connection with Black Bug Jodhpur. कत्ल जिसका पेशा है वो लॉरेंस बिश्नोई कैसे काले हिरन के लिए सलमान खान की जान का दुश्मन बन गया. लॉरेंस बिश्नोई जो है बिश्नोई कम्युनिटी आजकल चर्चा में है एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद. इसमें तीन नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं. पहला है टाइगर खान सलमान खान, दूसरा काला हिरन और तीसरा लॉरेंस बिश्नोई. बाबा सिद्दीकी और सलमान खान दोनों अच्छे दोस्त रहे हैं और अब चर्चा है कि बाबा के बहाने सलमान बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को सीधा सीधा संदेश दे दिया है. बिश्नोई गैंग जो है उसने पहले भी सलमान खान पर हमला जो है फायरिंग कर चुका है, हमला कर चुका है. सलमान खान के पिता सलीम खान को भी धमकी दे चुका है. सारा मामला क्या है, 26 साल पुराना. क्या होता है कि 26 साल पहले कैसे काले हिरन ने सलमान खान को बना दिया बिश्नोई समाज का कट्टर दुश्मन. अब कहानी की शुरुआत जो होती है वो होती है सितंबर महीने में 2008 में. सलमान खान और जो उसके साथी कलाकार हैं राजस्थान में जोधपुर में एक फिल्म बन रही थी हम साथ साथ हैं. उसकी शूटिंग के लिए वह पहुंचते हैं और शूटिंग लोकेशन से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर भगाद नाम के एक कस्बे में सफेद जिप्सी में शिकारी आने की आहट होती है. गांव के लोग कुछ समझ पाते हैं इससे पहले ही गोली चलती है और जिप्सी को भागते हुए देखा जाता है. गांव के कुछ लोग जो होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो जिप्सी का पीछा करते हैं और वो बताते हैं कि उस जिप्सी में सलमान खान था. वो दावा करते हैं कि इसमें सलमान खान बैठा हुआ. मामले की पूरी छानबीन शुरू होती है. मौके पर काला हिरन यानी कि ब्लैक बग मिलता है. 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज सलमान का पहली एफआईआर दर्ज कराता है. उसके बाद 4 और मामले दर्ज होते हैं. सलमान के साथ फिल्म के अन्य कलाकारों को भी आरोपी बनाया जाता है. सलमान की गिरफ्तारी होती है और इसे जेल जाना पड़ता है. बिश्नोई समाज के लिए काला हिरन आखिर इतना खास क्यों है? देखिए, काला हिरन जो है बिश्नोई समाज के लिए पूजनीय है. ये जो बिश्नोई समाज है सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है. बीबीसी की एक रिपोर्ट में जोधपुर के सांसद जो कि बिश्नोई समाज से ही है, उनका नाम है जसवंत सिंह बिश्नोई, वो कहते हैं कि जंभेश्वर जी जो बिश्नोई समाज के जो हमारे संस्थापक हैं उन्होंने हमें जीवों पर दया करने और पेड़ों की सुरक्षा करने का पाठ पढ़ाया है. जो इन दोनों की सुरक्षा करता है वो इंसान बैकुंठ को जाता है. बहुत बड़ी बात है. बिश्नोई समाज में काले हिरन की जो तुलना है या यूं कह लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं काले हिरन को बिश्नोई समाज, और इसकी रक्षा के लिए जान नोछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, जान लेने के लिए तैयार रहते हैं. बिश्नोई समाज इन्हें इतना सम्मान देता है जो किसी पूजनीय से कम नहीं है, ईश्वर का दर्जा है. राजस्थान में मानना है कि करणी माता माई जो है वही काले रक्षक जो हिरन की संरक्षक है. बिश्नोई समाज जो है वो जो लोग हैं वो वस्त्रों के
के जो व्यापार होता है उससे भी जुड़े हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो काला हिरन है, ब्लैक बक जो है, वो कहां कहां मिलता है। काले हिरन को इंडियन एंटेलोप भी कहते हैं, और ये भारत के अलावा नेपाल में, पाकिस्तान में काफी पाया जाता है। आजकल जो जंगल कट रहे हैं उनकी मेन एक रीजन है जो इनकी संख्या जो है कम होती जा रही है। जो राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी संख्या में शिकार होता था, लेकिन भारत के अंदर अब इनके शिकार पर पूरी पाबंदी है। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कानून का सहारा भी लिया जा रहा है। ब्लैक बक का जो नर काला हिरन होता है उसके सींग थोड़े लंबे होते हैं और मादा के छोटे होते हैं, यही इन दोनों के बीच का अंतर माना जाता है। आंध्र प्रदेश में स्टेट एनिमल का दर्जा प्राप्त है। एक इनकी दिलचस्प बात यह है कि नर का जो रंग है वो बदल जाता है। मानसून तक इनका रंग जो काला रहता है, और सर्दियों में इनका रंग हल्का होने लगता है। गर्मी बढ़ने पर इनका रंग वापस गहरा होने लगता है। अब बात आ जाती है कि एक काले हिरन ने कैसे इतनी दुश्मनी बढ़ा दी। काले हिरन का जब इसने सलमान ने शिकार किया, उसके आरोप में सलमान पर मुकदमा चला, उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन बिश्नोई समाज ने सलमान को कभी माफ नहीं किया। वो हिरन के शिकार से इतने आहत हुए, समाज ने सलमान के सामने यह शर्त रख दी कि वो इस मामले में माफी मांग ले। और बीकानेर के मुक्तिधाम मुकाम में आए और बिश्नोई समाज के पूर्व जो बुजुर्ग लोग हैं उनके सामने अपनी गलती मान ले, तभी उसे माफ करने पर विचार किया जा सकता है। मुक्तिधाम मुकाम जो है बिश्नोई समाज का मुख्य मंदिर है, पर ना तो सलमान ने उनकी मांग मानी और ना ही समाज से माफी मांगी। और जब यह सब नहीं हुआ तो समाज भी जो है उसने उसे माफी नहीं दी। इस पूरे मामले में साल 2018 में बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखने वाले लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री होती है, और अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान करता है कि वो सलमान खान से काले हिरन के शिकार का बदला लेगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सलमान खान पर जानलेवा हमला भी किया जा चुका है और लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ चुका है। सलमान खान के अलावा साल 2022 में लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है एक सिंगर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला, उसके मर्डर में भी सामने आया था। तब वो जेल में बंद थे, लेकिन सलमान को लेकर उनके मन में गुस्सा बरकरार है। लॉरेंस सलमान पर हमला करने और ये सब कुछ करने के बाद उसके पिता सलीम खान को भी धमकी दे चुके हैं, पर अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ये गैंग और ये दुश्मनी की इसकी पूरी कहानी आजकल चर्चा में है। तो जितनी मुझे जानकारी उपलब्ध थी, ये सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।